इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। आंसर जो होगा इसका सी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर दो, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो वो बौद्धों का है। आंसर जो होगा इसका बी, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर तीन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो कितने हैं? तो वो है 24। आंसर जो होगा इसका सी, 24। क्वेश्चन नंबर चार, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। तो आंसर जो होगा इसका ए, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर पांच, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो आंसर जो होगा इसका बी, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर छः, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी? तो वो गुप्त काल में हुई थी। तो आंसर जो होगा इसका सी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर सात, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो वो आर्यभट्ट ने की थी। तो आंसर जो होगा इसका ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर आठ, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो वो राजा राममोहन राय को कहते हैं। आंसर जो होगा इसका सी, राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर नौ, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर जो नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आंसर जो होगा इसका बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर दस, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद चटर्जी है। तो आंसर जो होगा इसका बी, बंकिम चंद चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आंसर जो होगा इसका ए, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 12, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू के संस्थापक थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। आंसर जो होगा इसका सी, मदन मोहन मालवीय। इन्हें जो है शॉर्ट फॉर्म में MMM भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन। तो आंसर जो होगा इसका सी, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्राचीन भाषा है तो भारत की हमारी प्राचीन भाषा क्या है? तो वो है संस्कृत। आंसर जो होगा इसका सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 15, फारयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फारयान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो आंसर जो होगा इसका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से धरती पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, 8 मिनट कुछ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो वो स्वीडन करता है। आंसर जो होगा इसका सी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वो होती है लिथियम। आंसर जो होगा इसका सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 19, मानव रक्त का पीएच मान नॉर्मली कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान नॉर्मली कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, 7.5 से 8। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो राज्य नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आंसर जो होगा इसका बी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आंसर जो होगा इसका सी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 22, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। आंसर जो होगा इसका बी,
मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर जो होगा इसका बी, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। आंसर जो होगा इसका बी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी के खेल से जुड़े थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 26, किस तत्व की कमी के कारण खेगा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी के कारण खेगा रोग हो जाता है? तो वो आयोडीन की कमी के कारण जो है खेगा रोग हो जाता है। आंसर जो होगा इसका सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है? तो वो है शेर। आंसर जो होगा इसका ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्टेटियस को कहा जाता है। आंसर जो होगा इसका डी, हिक्टेटियस। क्वेश्चन नंबर 29, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो की थी कोपरनिकस ने। आंसर जो होगा इसका बी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30, टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो वो जेएल बेड ने किया था। आंसर जो होगा इसका बी, जेएल बेड। जेएल बेड का पूरा नाम जो है वो जॉन लॉगी बेड है।